चुनाव नहीं है, मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। जब आप कमर के निशान पर बटन दबाइए तब ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे प्रत्याशियों को एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमल को वोट दे रहे हैं। आपका कमल को एक वोट कर्नाटक के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला वोट है, कर्नाटक को सुरक्षित करने वाला वोट है। दक्षिण कर्नाटक को अगर कोई सुरक्षित कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार है तो दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में एक रिवर्स गियर सरकार है। रिवर्स गियर, मुझे बताओ उड़ुपी वालों, डबल इंजन सरकार चाहिए या रिवर्स गियर सरकार चाहिए? जोर से बोलिए, डबल इंजन सरकार चाहिए, रिवर्स गियर। डबल इंजन सरकार लानी है तो कमल के निशान पर बटन दबाइएगा। और आपका कमल का एक वोट न केवल कर्नाटक के अंदर डबल इंजन सरकार लाएगा, कर्नाटक के अंदर तो डबल इंजन सरकार लाएगा ही लाएगा। 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भी करेगा। उड़ीपी वालों बताओ भाई, एक बार वोट देने से दो काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप एक ही बार कमल को वोट दोगे, बीजेपी का सीएम बनेगा, कर्नाटक सुरक्षित होगा, कर्नाटक विकसित होगा और साथ में 24 में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक ही काम करने से दो फायदे होते हो तो पूरे कर्नाटक की जनता को मैं कहने आया हूं कि आप कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बनाइए। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर न केवल पीएफआई को बढ़ावा दिया, ढेर सारे बम धमाकों के केस को ढंग से जांच नहीं की, हमने पीएफआई पर तो बैन किया ही, इसके साथ मैंगलोर बास, डीजी हल्ली, केजी हल्ली, ये सारी जांच को एनआईओ को देकर आतंकवादियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने 23 केसों को एनआईओ को दे दिया और मोदी जी की टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है इसको कर्नाटक के अंदर पहले येदुरप्पा जी और फिर भूमई जी ने जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।